आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे बर्गर की रेसिपी जो आज तक आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और सभी के लिए हेल्दी भी है। इसे हम आटा ब्रेड से बनाने वाले हैं और इसमें खूब सारी सब्जियाँ पनीर इस्तेमाल करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और टेस्टी भी हैं, और ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे लंच में बना सकते हैं, उनके टिफ़िन में दे सकते हैं, जब वो दोपहर को स्कूल से घर आएँ तो आप बना सकते हैं, झटपट तैयार हो जाता है और उनको बहुत पसंद आएगा। अगर ऐसे बनाएंगे आप तो बाहर का पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाना ही भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी फूड स्टाइल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक चम्मच यहाँ तेल लिया है और एक चम्मच ही मैंने यहाँ बटर डाल लिया है। इसे पिघलने देंगे। इसमें मैंने यहाँ एक चम्मच बारीक कटी हुई अदरक ली है। भून लेते हैं इसे कुछ सेकंड के लिए। अब मैंने यहाँ एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, इसे भी भून लेंगे। अब मैंने यहाँ एक प्याज लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, इसे डाल लेंगे और हल्का गुलाबी होने तक इसे भून लेंगे। प्याज को भून लिया है अच्छे से। अब मैंने यहाँ कद्दूकस की हुई गाजर ली है, ये करीब करीब आधा कप है, भून लेंगे इसे भी। जो भी सब्जियां डाल रहे हैं हम कुछ सेकंड के लिए उन्हें अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। सब्जियों को हम बिल्कुल बारीक कट करेंगे या कद्दूकस करेंगे जिससे उन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैंने यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, इन्हें भी पका लेंगे हम अच्छे से। टमाटर वैसे भी सॉफ्ट होते हैं तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच यहाँ कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटी चम्मच ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं आप, और 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ हल्दी डाली है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मसाले पका लेंगे अच्छे से। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच सेजवान सॉस लिया है, या आप पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं या आप टमाटो केचप भी ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ टमाटो केचप लिया है, डाल लेते हैं, मिला लेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ 1/2 कप पनीर लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि क्यूब्स में कट कर लिया है, और उसमें 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल दिया था और 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो हम इस पनीर को डाल देंगे अच्छे से, मिला देंगे। पनीर में खूब सारा प्रोटीन होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अब मैंने यहाँ 2 उबले हुए आलू लिए हैं, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, डाल लेते हैं, मिला लेंगे अच्छे से। सारे मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ ब्रेड लिए हैं, इसे हम कट कर लेंगे। कोई भी आप कटोरी लीजिए या टिफ़िन लीजिए, ऐसे रख के हम कट कर लेंगे इसे बिल्कुल राउंड। बहुत आसानी से कट हो जाएंगे देखिए, और इसको हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तीनों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इसमें से एक को हम अच्छे से तवे पर सेक लेंगे। देखिए मैंने इसको एक को सेक लिया है, जो हम बीच में रखेंगे उसको सेकना है,
अब हम एक ब्रेड पे हरी चटनी लगा देंगे, या आपके पास चिली सॉस है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी लगा सकते हैं। और एक पे हमने यहाँ थोड़ा सा वेज मेयोनीज लगाई है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। अब जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो रख लेते हैं, खूब सारी स्टफिंग हम रख लेंगे। दूसरे ब्रेड पर हम टमाटर के और खीरे के स्लाइस रख लेंगे, और जो हमने सेक लिया था ब्रेड उस पर हम थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और जो स्टफिंग हमने डाली थी उस पर हम रख देंगे। जो हमने ब्रेड सेक लिया था उसको बीच में ही रखना है, इनको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। थोड़ा सा चीज़ लेंगे और चीज़ डाल लेंगे, चीज़ अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये मोज़रेला चीज़ लिया है, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस भी यहाँ ले सकते हैं। बंद कर देते हैं इसे, और इसे हम तवे पर अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, इस पर हम थोड़ा सा बटर डाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और ब्रेड पर ऊपर की तरफ भी हम घी या तेल, जो भी आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं, या आप बटर लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम पलट पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। पलट लेते हैं दूसरी तरफ, और ऐसे ही पलट पलट कर हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है, आप देख पा रहे होंगे। ये बनकर तैयार है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं और दूसरा बनाएंगे। अब मैंने यहाँ डबल बनाया है, उसमें मैंने एक तरफ स्लाइस रखी थी टमाटर की और खीरे की, इसमें मैंने दोनों तरफ स्टफिंग रखी है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो पलट लेंगे इसे, इसे भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। देखिए ये भी बनकर तैयार है, बहुत ही प्यारा कलर आया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। डबल लेयर ये मैंने बनाया है, तो जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही बना सकते हैं। ये भी हो गया है, तो निकाल लेते हैं हम इसे प्लेट में। बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप अपने बच्चों के लिए ये बना सकते हैं, जब भी वो स्कूल से वापस आएँ तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप उनके लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फैमिली में, फ्रेंड में, और सोशल साइट पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं आपके लिए डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। देखिए मैं यहाँ कट करके दिखा रही हूँ, वाओ देखिए बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और हेल्दी भी है। खूब सारी हमने सब्जियां डाली हैं, पनीर डाला है, चीज़ डाला है, जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो आप भी ऐसे बनाइए, खाइए, और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।